सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, आज मैं आपके समक्ष श्रीमद् भगवद गीता के 14वें अध्याय के 17वें श्लोक की व्याख्या करने जा रहा हूँ। यह श्री भगवान उवाच है। श्री भगवान कहते हैं, सत्वात् संजायते ज्ञानम रसो लोभ एव च प्रमाद मोहो तमसो भवतो अज्ञानमेव च। सत्वात् संजायते ज्ञानम, अर्थात जो सत्व गुण है उस से ज्ञान ही उत्पन्न होता है, ज्ञान ही उत्पन्न होता है, इसे हिंदी में ज्ञान कहते हैं। और रजस से लोभ उत्पन्न होता है और प्रमाद मोह और अज्ञान उत्पन्न होता है तमस से। यह यहां पर भगवान बता रहे हैं। तो जो सात्विक गुण है वह विवेक जागृत कर देता है, वह ज्ञान जागृत कर देता है। विवेक से ज्ञान आता है, तत्वबोध आता है। यही ज्ञान जब परिशुद्ध हो जाता है तो तत्वबोध में बदल जाता है। तो हमें आत्म और परमात्म दर्शन होते हैं और आत्मबोध और परमात्मबोध होता है जब हम गुणातीत हो जाते हैं। तो सत्व गुण ही जब अपने चरम अवस्था पर पहुंचेगा तो हमें गुणातीत करा देता है। जब हम सत रजस्तम तीनों गुणों में साम्य हो जाएंगे तो भी हम गुणातीत हो जाएंगे। अब इसके बाद भगवान कहते हैं कि रजस गुण जो है वह लोभ उत्पन्न करता है, उससे लोभ उत्पत्ति होती है। लोभ अर्थात जितना है उसे और पाने की इच्छा, उसे और संग्रह की इच्छा, और जो खर्च करने का उचित स्थान है वहां खर्च ना करना भी एक लोभ में आता है। तो इस तरह की जो लोभ की वृत्ति है तो इससे जो है दुखी होता है। तो रज का जो है भगवान ने दुखी बताया है, तो लोभ से दुख होगा। अब इसके बाद भगवान कह रहे हैं कि प्रमाद और मोह और अज्ञानता, यह जो है तमस गुण से आता है। तमस का मतलब ही हो जाता है अंधकार, और रजस का मतलब होता है कि कंपन का उत्पन्न होना। रज जो है वो कंपन का उत्पन्न होना, रज कंपन से है, जो उत्पन्न होने से। तो जहाँ वाइब्रेशन उत्पन्न होगा वहाँ गति होगी। वाइब्रेशन अपने आप में गति है, तो यह वाइब्रेशन जो है ये गति कराती है अंतत्वों को, और यह जो है हमें पदार्थ और ऊर्जा में ले जाती है, और इसके कारण सक्रियता आती है रजस वृत्ति से, रजस गुण से, और उससे जो है हम धन के चक्कर में पड़ जाते हैं खूब, और पद के चक्कर में राग हमें मिलता है। तो इस राग वृत्ति से हम सोचते हैं, भोग वृत्ति उत्पन्न हो जाती है, सोचते हैं यह पा जाएं, वह पा जाएं, इसको भोग लें, इसको भोग लें, और इस प्रकार का जो लोभ हमारा में हमारे में बढ़ता है तो वह दुखी उत्पन्न करता है। अब इसके बाद कहते हैं कि प्रमाद और मोह और अज्ञान, अज्ञान उत्पन्न होता है तमस से। तमस मतलब अंधकार, और अज्ञानता मतलब ही अंधकार है। यानी हमें
क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए इसका पता नहीं है, कोई इसका बोध नहीं है, विवेक जागृत नहीं होता है, कर्तव्य कर्तव्य का बोध नहीं होता है, किसके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए ये पता नहीं होता है, कब क्या व्यवहार करना चाहिए पता नहीं होता है, तो उल्टे पुल्टे काम हमें करना है, जहाँ पर नहीं बोलना है वहाँ बोलना है, जहाँ बोलना है वहाँ नहीं बोलना है, किसी को भी डांट देना है, डपट देना है, पीट देना है, हिंसा करना है, अपराध करना है, तो नशा लेना है, तो मादक द्रव्यों का सेवन ये करते हैं। अब प्रमाद और मोह, प्रमाद मतलब कि करने लायक जो काम है उसमें हम नहीं चल रहे हैं, नहीं जा रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, पड़े हुए हैं आलस्य, क्योंकि इसका एक निद्रा भी भगवान ने पहले बताया था, यहाँ पर तो नहीं बताया है कि निद्रा भी तमस का एक दोष है, लेकिन यहाँ पर नहीं बताया इसका मतलब क्या है, मतलब कि निद्रा जो है एक विशेष मात्रा में ही निद्रा दोषपूर्ण है, अन्यथा निद्रा तो सभी को आती है और निद्रा शरीर को स्वस्थ करने के लिए भी जरूरी है, तो एक मात्रा में निद्रा जो है बुरी नहीं है, लेकिन जब बहुत ज़्यादा निद्रा हो, कोई आदमी होते हैं जो बहुत कुंभकर्णी नींद सोते हैं, खूब सोते हैं, पड़े रहते हैं, उठने का उनको मन नहीं करता है, तो इस तरह की निद्रा को ही भगवान ने कहा है तामसी, सात्विक निद्रा नहीं तो सात्विक वृत्ति वाले भी तो सोते ही हैं, तो जो शरीर के स्वास्थ्य के लिए जितनी नींद है उतनी नींद लेना तो ठीक है, उससे ज़्यादा नींद लेते हैं तो दोषपूर्ण है, और अगर बहुत कम लेते हैं तो वह भी दोषपूर्ण है, उसके कारण दिमाग का संतुलन बिगड़ता है। तो यहाँ पर भगवान ने नींद को इसमें नहीं रखा है, प्रमाद को रखा है, तो प्रमाद जो अत्यधिक निद्रा होने के कारण प्रमाद होता है, या पड़े हुए हैं, लेटे हुए हैं, घर के बुढ़े लोग काम कर रहे हैं, वो जवान लड़का है लेटा हुआ है काम नहीं कर रहा, वो बुढ़ों का भी बुढ़ा बन गया है, तो ऐसे प्रमादी आलसी लोग जो हैं ये बोझ होते हैं परिवार के लिए, समाज के लिए, देश के लिए, सबके लिए बोझ होते हैं, तो ये तामसी गुण के कारण ऐसा होता है कि यहाँ एक्शन लेना चाहिए वहाँ एक्शन नहीं लेंगे, जहाँ नहीं लेना चाहिए वहाँ फालतू की बातें बोलेंगे और ऐसा कर्म कर देंगे जिससे कि सब लोगों को शर्मिंदा हो जाए या कुछ नुकसान हो जाए, करने भी उठेंगे तो ऐसा करेंगे, यानी मनोयोग से भी नहीं करते किसी काम को, अगर आप उनको कह दें झाड़ू लगाने के लिए तो किसी तरह से ऐसे ऐसे करके थोड़ा बहुत लगा दिया, कुछ छूट गया कुछ छूट गया, इस तरह से लगा देते हैं, यानी उनमें एकाग्रता बहुत ही कम होती है, मनोयोग नहीं होता है, ये प्रमादी होते हैं, किसी भी काम को देर से करना, ढीलापन उसमें रहना, तो 10 बार बोलेंगे तो वो 1 बार करेगा, इस टाइप के कुछ लोग होते हैं आप लोग जानते ही हैं, तो ये प्रमादी लोग होते हैं, तमोगुणी लोग होते हैं, और ऐसे लोग मोहग्रस्त होते हैं बहुत, वस्तुओं के प्रति मोह और अपने प्रियजनों का मोह इनको बहुत ज़्यादा होता है, मोह यानी उसको अपने पास लगातार रखे रहने की, भोग के प्रति मोह की, यह मुझे बार बार मिलता रहे, और उसके लिए वो कोई उद्यम भी नहीं करेगा, वो चाहेगा कोई और कर दे, खाना कोई और पका दे वो खा ले, तो वो किसी प्रकार का उद्यम नहीं करना चाहता है, वो बिना मेहनत के फल लेना चाहता है, बिना मेहनत के जो फल लेना चाहता है वो पापी ही होते हैं, तो पाप वृत्ति इनमें बहुत हावी होती है तामसी गुण वालों में, ये दूसरे की कमाई खाना चाहते हैं, ठगना लूटना धोखा देना ये सब जो है जो गुण होते हैं, साजिश करना, झूठ बोलना, निंदा करना, अफवाह फैलाना, ये सब इनके गुण होते हैं, जुआ खेलेंगे, मदिरा पान करेंगे, द्रव्यों का सेवन करेंगे, और सदैव इस फिराक में रहेंगे कहाँ से झटके से माल आ जाए, आप देखेंगे इस तरह के जो लोग होते हैं सोचते हैं कि जल्दी से झटके से कहीं से पैसा आ जाए, जिसमें मेहनत ना करना पड़े, बैठे बैठाए आ जाए और हमारा काम चलता रहे, तो ये सब तामसी प्रवृत्ति के लोग होते हैं, ये सब कोई भी अनर्गल कार्य कर सकते हैं, ये देश को भी बेच सकते हैं, घर परिवार बेच सकते हैं, अपनी पत्नी को बेच सकते हैं, अपने बेटा बेटी को बेच सकते हैं, ये किसी को भी बेच सकते हैं, ये ऐसे दुष्ट प्रवृत्ति के होते हैं तामसी वृत्ति वाले लोग। तो भगवान ने कहा है कि जिसमें तमोगुण बढ़ जाता है
वो इस तरह के कर्म में प्रवृत्त हो जाते हैं, उनमें ये गुण आ जाते हैं, यानी इस तरह के अवगुण आ जाते हैं एक तरह से कहा जाए तो। तो भगवान ने यहाँ पर समझाने की यही कोशिश की है कि हमारे जो बुरे कर्म होते हैं या अच्छे कर्म होते हैं या औसत कर्म होते हैं, ये सब गुणों के द्वारा संचालित होते हैं। जो गुण हैं वे उतने ही प्राकृतिक गुण हैं, ये सतरस्तम इनके कारण होते हैं। तो गुण जो है हमारे इन कर्मों को बढ़ाते हैं और वे कर्म जो है इन गुणों को बढ़ाते हैं, यानी परस्पर जो है अन्य इनके बीच में अन्योन्याश्रित संबंध होते हैं। तो जब तक सकाम भावना होती है तब तक ये गुण अपना गेम खेलते रहते हैं, और जब निष्काम भावना जब हमारे में आ जाती है, निष्कामता, तो वह जो निष्कामता है वह गुणों के कारण नहीं है, वह गुणातीत प्रेरणा है। निष्कामता समभाव में हो जाना वह गुणातीत है, समता गुणातीत अवस्था है, इसीलिए भगवान ने उनको योग कहा है। तो जब वह आ जाता है तब उसके माध्यम से उस व्यक्ति से जो भी कर्म संपादित होते हैं वे निष्काम कर्म होते हैं, और वही भगवान का मुख्य ध्येय है कि हमारा भक्त निष्काम हो, और उसी का उन्होंने संदेश उपदेश दिया है। तो आज इसमें इतना ही।